हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक है, खुश रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे। और अभी मैं थोड़ा काम करके आई हूँ, थोड़ा काम अभी बाकी है। और आज मैंने नाश्ता में बना दिया था पाव, पाव के साथ बटर लगा के साई के साथ खा लिया। और अभी थोड़ा कपड़ा मशीन में डाल के आई हूँ और कपड़ा धो दूँगी, और साथ ही साथ अभी मैं खाना भी बना लूँगी। आज तो मंडे है, मुझे मालूम ही नहीं था, मैं सोचा अंडा करी बना लूँ। आज तो मैं भेज ही खाऊँगी, इसलिए मैं सोचा टमाटो दे के आलू का सब्जी और पपीता आलू का फ्राई ही कर लूँगी, और साथ में चावल बना दूँगी। दाल खाने का मन नहीं है। और देखिए कितना धूप निकला हुआ है और गर्मी भी कितना है, बहुत गर्मी है। और अभी मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है, और अभी थोड़ा मैं खाना बना लूँ, और खाना बना के आप लोग से मिलते हूँ मैं। और आज लंच में मैंने बना दिया है टमाटर आलू का करी। आलू को मैंने बॉईल करके लिया है, और दाल बनाने का मन नहीं है, दाल खाने का मन नहीं किया। और पपीता आलू को सरसों में ऐसे फ्राई कर लिया है, और चावल बना दिया है मैंने। और मैंने खाना बना के रख दिया है, और अभी तो 1:30 हुआ है, और अभी खाना नहीं खाऊंगी, देर में ही खाऊंगी। सिंपल सा लंच बना दिया है, मैंने बोला ही था आलू के साथ। आलू को मैंने बॉईल करके मैश करके और टमाटर के साथ ऐसे थोड़ा मसाला लेके बना दिया, सिंपल सा, ज़्यादा मसाला नहीं दिया गर्मी में। और पपीता और आलू को छोटे छोटे काट कर फ्राई कर दिया। और मैं आजकल एक प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। ये प्रॉब्लम क्या है मालूम है आप लोग को? मेरे आँखें आजकल, मतलब मेरे पहले से ही, मतलब चश्मा था और मैंने बीस में ही छोड़ दिया, और साइनस का भी प्रॉब्लम था, अभी आँखें का भी प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि आजकल मेरा जो छोटे छोटे जो अक्सर पेपर वगैरह में पढ़ नहीं सकती हूँ, मुझे आँखें दिखाई नहीं पड़ता है, कुछ भी छोटा छोटा अक्सर मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। और दूर का चीज़ देखती हूँ, पास का चीज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। और मतलब बहुत परेशान हो गया हूँ मैं आजकल इस प्रॉब्लम से, और सोचा डॉक्टर को दिखा दूँ। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, दिखाने वाली हूँ, लेकिन मेरा जो सासू माँ, मेरा मामी, मेरा ननन का घर में है, वो उसको भी दिखाना है, इसीलिए वो आ जाएगा, दोनों साथ में ही दिखा लूँ, उसका इंतज़ार में हूँ मैं। वो तो आ ही जाएगा अगले महीने, तो अभी दोनों दिखा लूँगी। इतना प्रॉब्लम दे रही है मुझे, मैं पेपर भी पहन नहीं सकती हूँ, मैं मोबाइल में जो भी मतलब है, मैं ऐसे पास में लाके देखना पड़ता है, ऐसा हो रहा है। ज़्यादा दिन से नहीं, मतलब एक महीने से ही होगा, पहले तो कम था, अभी ज़्यादा हो रहा है दिन ब दिन। और इसलिए जल्दी ही दिखा लूँगी, और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरा आँखें का, पता नहीं, और शायद मतलब आँख का चश्मा लेना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, पावर थोड़ा कम हो गया है शायद। और अभी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, मम्मी जी आ जाएगा, दोनों साथ में दिखा लूँगी। और यही मेरा परेशान है, और आज तो गर्मी भी है, और मैंने अभी जाके मैं खाना खा लूँगी, फिर बर्तन साफ कर लूँगी। और मैंने आज तो मंडे है, दिया वगैरह तो सुबह ही जला ही दिया था, भगवान को पूजा कर लिया है, हर दिन पूजा करती हूँ, सुबह नहा के ही मैं भगवान को दिया वगैरह जला के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, और अब भी नाश्ता करती हूँ। कभी तो ऐसे उठ के नाश्ता कर लेती हूँ, फिर नहा के भगवान को दिया वगैरह जला देती हूँ, ऐसे तरह रूटीन चलता ही रहता है मेरा। और ठीक है, अभी मैं खाना खा लूँ, और बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। हाय फ्रेंड्स, अभी तो से बज गया है गुड इवनिंग, और अभी मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ, और ऐसे घर में तो कोई ना कुछ चीज़ लगते रहता है। आज मेरे लिए कुछ सामान लेना है, और आज तो मंडे है, और मंदिर भी जाऊंगी माथा टेकने के लिए, और अभी अंधेरा होने वाले ही है। और ठीक है, हम अभी चलते हैं, और थोड़ा मंदिर के में भी माथा टेक लूँगी, और थोड़ा काम भी है, और थोड़ा सामान भी चाहिए। ठीक है, बाद में मिलती हूँ मैं। मंदिर पहुंच चुकी हूँ,
और रोड के साइड में ही है मंदिर, और मंदिर के पास एक दुकान है फूलों का। देखिए ये असली रोज़ है, अक्रीट है, असली वाला है, प्लास्टिक का नहीं है। कितना सुंदर फूलों का फ्लावर का दुकान है। और मंदिर में मैं पहुंच गई हूँ, और मंदिर में आज मंदिर भी है, और कुछ औरतें नाम ले रही है भगवान का। और यहाँ शिव जी का है, और हनुमान का है, गणेश जी का है। और ये पहले मैं शिव जी को माथा टेक लिया, फिर हनुमान को मैंने माथा टेक लिया, फिर गणेश जी को माथा टेक लिया, और माथा टेक के मैं हो गया है, अभी मैं बाहर आ गई हूँ। मंदिर से मैं आ गई, और आगे मैं अभी बाज़ार तरफ ही आ रही हूँ, और बाज़ार आगे बाज़ार ही है। और बाज़ार में मैं ऐसे ही केला को देख रही हूँ, केला लेने का मन कर रही थी। मैंने केला खा के मुझे अच्छा लगता है, और मतलब इतना अच्छा वाला नहीं है, मैंने नहीं लिया। फिर मैंने कॉस्मेटिक्स दुकान में आ गया, मुझे कुछ सामान लेना था कॉस्मेटिक्स का, और मैंने ले लिया है। और क्या ऐसे ही कुछ दो एक चीज मैंने ले लिया है कॉस्मेटिक्स का। और कॉस्मेटिक्स का सामान लेने के बाद मैं ऐसे ही रास्ते से आ रही हूँ, और आके ही मुझे एक और मतलब मणिपुरी ज्वेलरी बोलता है ये हमारा, मणिपुरी ज्वेलरी का एक छोटा सा दुकान में आँखें पड़ गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले से लिया है, और इसमें से मैंने कुछ ले लिया है। मैं बाहर गई थी, आ गई हूँ, अभी 7:30 हो गया है। ऐसे शाम के टाइम में थोड़ा बाहर जाके अच्छा लगता है, और घूम भी लेती हूँ। और मंदिर भी गया था, आज मंडे था, और मैंने पास में कोई दिया वगैरह का दुकान भी नहीं था, ऐसे ही मैंने पैसा देके ही माथा टेक लिया। घर में तो लगा ही दिया है, भगवान की एक ही है, घर में मैं दिया वगैरह लगा दिया, शाम को भी लगा दिया था, लगा के ही बाहर गया था। और फिर माथा टीका बहुत अच्छा लगा, फिर जाके थोड़ा ऐसे दुकान में कॉस्मेटिक्स का दुकान में गया था, क्या क्या लिया। कल मैं आप लोग का साथ शेयर कर दूँगी, आज नहीं दिखाऊँगी, और कल ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को। और आज तो गर्मी बहुत है, मैंने बोला ही था, और पहले मेरा आँख का मैंने तो बोला ही था थोड़ा सा आँख का प्रॉब्लम हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था मेरा, और आज तो थोड़ा दिन पहले से ऐसा हो रहा है, और पता नहीं क्यों हो रहा है। और पहले से जब मैं लड़की था तब से मेरा मैंने तब मेरा चश्मा था, और बीच में मैं सो दिया था, और फिर से सोचा अभी डॉक्टर को दिखाऊंगी, और जल्दी ही दिखा लूँगी। और आपका मतलब ज़्यादा देर हो जाने से अच्छा नहीं है, मैं जानती हूँ, और जल्दी ही दिखा लूँगी, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो जाएगा मेरा भी। और आज का ब्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर देना, और जो भी मेरा चैनल में नया है वो भी सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन दबाना ना जो भी मैं ब्लॉग डालूँगी आप लोग को देखने के मतलब देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा ब्लॉग देखते रहिए, मुझे अच्छा 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 कमेंट पढ़ के आप लोग का बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आज का ब्लॉग यही पे एंड कर देती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।